हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? वेलकम टू प्रीतिस किचन। आज मैं आपके साथ ये दाल वड़ा की रेसिपी शेयर करने जाने वाली हूँ। इसको बनने के लिए हार्डली 5 से 7 मिनट का टाइम लगता है। इसके लिए थोड़ा सा प्री प्रिपरेशन रहता है, वो करके रखना रहता है। आधा वाटी जितना मैंने यहाँ पे चना दाल लिया हुआ है, और साथ ही साथ आधा वाटी मेरे को यहाँ पे तुअर दाल लेना है। दाल चावल वाला जो पतला वाला तुअर दाल आता है ना, वो लिया हुआ है। दोनों दाल को अपने को मिक्स करके लेना है। देखो, चने की दाल कुछ इस तरह से दिखती है, मोटी वाली रहती है ना वो। और साथ ही साथ 1 चम्मच जितना मैं उड़द दाल, सफेद दाल जो रहता है ना डोसा में यूज होता है जनरली, वो वाला दाल यूज कर रही हूँ। ये साउथ का फेमस वड़ा है, दाल वड़ा, वो बनाने जाने वाले। इसके लिए हम लोग ने पहले 2 पानी से इसको अच्छे से वॉश करके ढक के कम से कम 2 घंटे के लिए रहने देना है। 2 घंटे के बाद देखेंगे ना आप, आपको सुबह टिफिन वगैरह के लिए करना है ना, तो आप रात को भी भिगो सकते हैं। और कम से कम आपको आधे घंटे के लिए तो भिगोना रहेगा, ज्यादा भिगोगे तो भी चलेगा। और आधा वाटी जितना मैंने यहाँ पे दाल निकाल लिया हुआ, दूसरी दाल को मैंने अच्छे से दरदरा से पीस लिया हुआ। फिर हमने जो बची हुई दाल थी ना, वो इसमें डाल देंगे। और थोड़ा सा मैंने कांदा डाला है। पानी पूरा पूरा निकाल के फिर आप दाल पीसना। थोड़ी सी कोथमीर डाल रही हूँ मैं यहाँ पे, कड़ी पत्ते के टुकड़े करके डाल रही हूँ। अदरक मिर्ची का पेस्ट डाल रही हूँ। इस सभी चीजों का भी हम लोग मिक्स करके लेंगे। इतना ये फटाफट वड़ा बन जाता है ना। और आपको ज्यादा ही घाई रहेगी तो आप गर्म पानी में 15 मिनट के लिए सभी दालों को भिगो दीजिए, तो भी आप बना सकते हो ये वड़ा। देखो मस्त अपने को मिक्स करके हो गया, मिक्स करके हो गया ना। उसके बाद अपनों को इसमें एक एक करके मसाले करने हैं। बेसिक मसाला ही रहता है इसमें। थोड़ा सा जीरा डाल रही हूँ मैं, थोड़ी सी अजवाइन डाल रही हूँ, हाथों की मदद से क्रश करके डालेंगे जिससे इसका फ्लेवर ज्यादा निखर के आए। थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल रही हूँ यहाँ पे, थोड़ी सी हींग डाल रही हूँ, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल रही हूँ, साथ ही साथ थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ। स्वाद अनुसार नमक डाल के सभी चीजों को अपने को अच्छे से मिक्स करना है। देखो इतना मस्त है, हेल्दी टेस्टी वड़ा ये रेडी होता है ना। बच्चों के टिफिन बॉक्स में कभी क्या देना, रोज क्या देना, वो समझ में आता है ना, तब आप ये वड़ा बना के दे सकते हो। एकदम क्रिस्पी वड़ा रेडी होगा। और इसके क्रिस्पी वड़ा रेडी करने के लिए यहाँ पे मैं 2 चम्मच जितना चावल का आटा यूज कर रही हूँ। आप चाहिए तो इसके जगह पे कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर पोहा रहता है ना उसको पीस के इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर थोड़ा सा रवा का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे अपने वड़े क्रिस्पी बने। देखो हाथों की मदद से ये प्रॉपर साउथ इंडियन स्टाइल बना रहे हम लोग। फिर हाथों की मदद से एक छोटा सा पेड़ा निकाल के ऐसे छोटी सी एक पेटीज बना लेंगे। देखो सारे के सारे वड़े मैंने ऐसे रेडी कर लिए। अभी हम लोग इसको शैलो फ्राई जैसा करेंगे। आप चाहिए तो शेक के भी ले सकते हो। थोड़ा सा तेल रख दिया था मैंने यहाँ पे, 2 चम्मच जितना बड़ा 2 चम्मच रहते ना उतना रखा था तेल। और सभी वड़े को अपने को एक एक करके तेल में रख देना है। और यहाँ पे अपने को लो टू मीडियम फ्लेम पे अपने को सारे वड़े को शेक के लेना है। देखो ज्यादा हाई फ्लेम नहीं रखना, हाई फ्लेम रखेगा तो अंदर से वड़ा क्रिस्पी नहीं बनेगा, कच्चा रह जाएगा। और ये वड़ा बाद में भी क्रिस्पी का क्रिस्पी रहता है। अगर आप टिफिन बॉक्स वगैरह में ऐसे वड़े बना के दोगे ना उनको, तो हेल्थ वाइज तो अच्छे है ही, क्योंकि इसमें काफी सारी दाल पड़ी हुई है अपन लोग ने। देखो मस्त वड़ा अपने को अलटते पलटते लो टू मीडियम फ्लेम पे तल के लेना है सभी वड़े को। और एक बात, आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए।